नमस्कार, मैं भारत उदय समाचार से राहुल जगजीत स्वागत है इस चैनल में। आज मैं पहुंच चुका हूं मुंबई के गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लगभग हजारों की भीड़, जो लगभग 25 से 30 हज़ार लोग यहां पर जमा हुए हैं राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए। और इस जगह पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग लगभग 3 से 4 घंटा पहले से यहां पर बैठे हुए हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। उनके आने के बाद लोग राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें लोग देख रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं एग्जीबिशन सेंटर जो है गोरेगांव का, उसे पूरे तरह से सजा दिया गया था और हर तरफ कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का जो सिंबल है उसका झंडा और कांग्रेस जो के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी उनके तस्वीर से चारों तरफ उनका तस्वीर ही दिख रहा था। एग्जीबिशन सेंटर खचाखच बड़ा हुआ था और स्टेज पर जो नेतागण हैं पूरे मुंबई कांग्रेस के, जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी नेता थे, वो सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और 1000 के करीब ऑटो रिक्शा जो चालक हैं वो सभी इंतज़ार कर रहे थे राहुल गांधी के आने का। उसके बाद ज़ोरदार स्वागत किया गया है राहुल गांधी का, आप देख सकते हैं। आप देखते रहिए भारत उदय समाचार, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गोरेगांव के एग्जीबिशन सेंटर में मुंबई के कांग्रेस पार्टी के तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, उनके साथ एक संवाद स्थापित करने के लिए हमारे बीच पधारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नौजवान नेता, भारत के भावी प्रधानमंत्री, एकनाथ गायकवाड़ साहब,
आपका स्वागत करता हूँ। उसी तरह से हमारे एमएलसी साहब, विधान परिषद के सदस्य और हमारी पार्टी के कुछ लोग आदरणीय शरद।